नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा और आज है धनतेरस और ये धन के देवता कुबेर की पूजा अर्चना का पर्व है। इस दिन धन ही नहीं आरोग्यता का वरदान भी मिलने वाला है। तो मान्यता यह है कि धनतेरस के दिन कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूजा करने से आरोग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वैसे ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनकी खरीदारी धनतेरस पर बेहद शुभ रहती, तो आज हम आपको 10 ऐसे अचूक उपाय बताएंगे जो आज के दिन आपको कर लेने हैं, क्योंकि आज है धनतेरस और आज के दिन किया हुआ शुभ कार्य, आज के दिन खरीदी हुई कोई भी वस्तु आपको कई गुना ज्यादा फल देती है। क्या करना है क्या नहीं करना है आपको आगे बताएंगे। धनतेरस पर वैसे कहा यह भी जाता है कि सोने चांदी के आभूषण खरीदते हैं, झाड़ू जरूर खरीदते हैं और बहुत से लोग बर्तन भी खरीदते हैं, क्योंकि इसे बहुत शुभ माना जाता है, लाभकारी माना जाता है। इसके अलावा कुबेर यंत्र लाकर विधिवत पूजा भी की जाती है और श्री यंत्र की पूजा के बाद उसे मंदिर में स्थापित करने से घर में पैसों की कमी नहीं होती। तो धनतेरस पर बाजारों में रौनक अच्छी खासी है। दिल्ली से मुंबई तक बाजार गुलजार हैं, खरीदार पहुंच रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि धनतेरस पर समृद्धि के 10 अचूक उपाय कौन से हैं। इन उपायों को अपनाने से आपकी तकदीर बदल सकती है, आपका भाग्य उदय हो सकता है। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि सोना या चांदी क्या खरीदना है आपको, इसका विकल्प क्या है वो भी बताएंगे। इसके अलावा धनतेरस के शुभ मुहूर्त की भी बात होगी, तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ज्योतिष विद्वानों से हम जानेंगे आज धनतेरस के दिन आपको क्या करना है क्या नहीं करना, 10 अचूक महा उपाय। तो चलिए हम आपको ये भी बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त भी शुरू होने वाला है। तो आज हम सभी को किस तरीके से अपने अपने घरों में सुख समृद्धि के लिए धन के देवता कुबेर की पूजा करनी है और कैसे हम उनसे आरोग्यता का महावरदान पा सकते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे गुड न्यूज टुडे पर। तो आपको रहना है आज पूरा दिन हमारे साथ। बहरहाल चलते हैं सीधा, दिखाते हैं आपको लखनऊ में किस तरीके से रौनक है, साथ ही साथ मुंबई में कैसी रौनक है, नोएडा में कैसे लोग पहुंच रहे खरीदारी करने और दिल्ली में सबसे ज्यादा किस चीज की खरीदारी हो रही है। तो दिल्ली के बाजार गुलजार हैं। चलिए मनीषा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं दिल्ली से। आज के दिन सोना चांदी खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है और उसी को लेकर जो ग्राहकों की भीड़ है हर एक आभूषण की दुकान पर वो इसी तरीके से मिलेगी, फिर चाहे वो चांदी के गहने हो, सिक्के हो, मूर्तियां हो या फिर बर्तन, हर तरीके की एक रौनक जो है वो इस वक्त नजर आएगी। काफी जो है भीड़ यहाँ पे नजर आ रही है, आप देख सकते हैं कि अगर मैं आपको भीड़ दिखाना चाहूँ तो कितनी मात्रा में जो है लोगों की भीड़ यहाँ पे नजर आएगी। लोग जो है क्योंकि मुहूर्त के हिसाब से भी बहुत से लोग जो होते हैं वो चीजें खरीदना पसंद करते हैं, चांदी हो या फिर सोना हो, तो मुहूर्त के हिसाब से भी लोग पर आ रहे हैं, लेकिन लोगों को जैसे जैसे वक्त मिलता जा रहा है वो यहाँ खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। सर आप थाल लेते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ जी मैम। और कुछ इसके अलावा, क्योंकि चांदी बेहद शुभ माना जाता है आज के दिन सोना चांदी, तो सोना भी कुछ ले रहे हो या फिर चांदी का ही? आज तो चांदी ले रहे हैं मैम, कल गोल्ड देखेंगे। कल गोल्ड देखेंगे, आज तो सिर्फ चांदी की सबसे ज्यादा डिमांड होगी मैम। आज के दिन चांदी की डिमांड सबसे ज्यादा होती है, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति वगैरह लोग खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, क्वाइंस खरीदते हैं, हर कस्टमर अलग अलग जो डिमांड के अनुसार सामान लेते हैं। लेकिन आज जो है चांदी की बात हो रही है और चांदी के लिए जो है ग्राहकों की भीड़ बता रही है कि कितनी ज्यादा चांदी लेना आज के दिन शुभ रहता है सबसे ज्यादा, क्योंकि आज धनतेरस है, भगवान धनवंतरी की जो है पूजा की जाती है, तो अलग अलग जो मूर्तियां हैं लोगों की मूर्तियां लेने को यहाँ पे भीड़ नजर आ रही है, कस्टमर्स यहाँ पे ज्यादा मेरे को नजर आ रहे हैं। आप क्या लेने आए हैं सर? गणेश लक्ष्मी की मूर्ति। गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति चांदी में? चांदी में। सर आप क्या लेने आए हैं? इन्हीं के साथ ही आए हैं। अच्छा, इन्हीं के साथ आए, मूर्ति चुनी है आपने फिर? मूर्ति अभी जस्ट आए हैं, अभी देखो क्या दिखाते हैं क्या। क्योंकि मूर्ति की वैरायटी अगर मैं आपको दिखाऊं तो काफी मात्रा में आपको वैरायटी मिलेगी, चाहे फिर वो लक्ष्मी गणेश जी हो, चाहे वो सरस्वती माता हो, पंचमुखी हनुमान जी या फिर भगवान कुबेर, अलग अलग जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पे आपको नजर आएगी। मैम आप क्या खरीद रहे, आपने तो सिक्का ले लिया आज के दिन। धनतेरस तो हेल्थ के लिए अच्छा होता है, हेल्थ सबसे बड़ा धन होता है, बट देन ये एक शगुन होता है भगवान की पूजा के लिए, इसलिए जो है भगवान कुबेर को इस चीज के लिए माना भी जाता है कि मतलब हेल्थ के लिए वो सबसे बड़े। तो ये हमारे कंट्री में एक यूनिफॉर्म होता है कि हम आज के दिन जरूर खरीदते हैं कुछ शुभ का जो भगवान का मानते हैं। आपने कॉइन ले लिया है? हाँ देख रहे हैं अभी। आपकी तो शुरुआत होगी, लेकिन लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ नजर आ रही है, आप देख सकते हैं कि तमाम तरीके की जो मूर्तियां हो या फिर छोटे छोटे शो पीस हो, आप क्या ले रहे हैं? आप
तो हाथी ले रहे हैं क्योंकि कुबेर जी की सवारी है हाथी, इसीलिए। हाँ जी, इसीलिए कुबेर जी की जो है वो सवारी मानी जाती है हाथी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हाथी भी कितनी बेहद खूबसूरती के साथ जो है बारीक आर्ट डिजाइन जो है वो किया गया है। चांदी का ये हाथी है। मैम आपने क्या लिया अभी? बेटी के लिए, बिटिया के लिए पंजेब ली है और सिल्वर कॉइन लिया 10 ग्राम। हर कोई अपने अपने हिसाब से ले रहा है, सिल्वर कॉइन हो या फिर पजेब हो, जो बाकी आने वाले टाइम पर भी जो है लोग यूज कर सके, इस्तेमाल कर सके। तो लोगों की भीड़ काफी ज्यादा हर एक आभूषण की दुकान पर इसी तरीके से नजर आ रही, क्योंकि आज है धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है और आज के दिन बेहद ही शुभ माना जाता है सोने चांदी की खरीदारी। कैमरा पर्सन जगन्नाथ के साथ मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे। इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ मौजूद है, पंडित दिवाकर त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अलंकृता जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं, साथ ही साथ आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ हैं। तो 10 अचूक और महा उपाय कौन से हैं ये सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा बाजारों की रौनक दिखाने के लिए मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शिल्पी, पहले आपके पास आते हुए जरा दिखाइए लखनऊ के बाजार कैसे गुलजार हैं, आज कितनी खरीदारी हो रही है, साथ ही मनीषा भी हमारे साथ है। बिल्कुल, आपको बहुत शुभकामनाएं धनतेरस की और हमारे सभी अतिथियों को और गुड न्यूज टुडे के सभी दर्शकों को भी बहुत शुभकामनाएं। देखिए, धनतेरस है तो खरीदारी का पर्व और इसी से महाउत्सव शुरू होता है। तो आप सबसे पहले देखिए कैमरे की नजर से कि किस तरह से यहाँ लोग खरीदारी कर रहे हैं और यहाँ पर क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग अपनी पसंद की चीजें खरीद रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले से बुकिंग करवा कर यहाँ से गए थे, जैसे ज्वेलरी की बुकिंग होती है, गाड़ियों की बुकिंग होती है, वैसे बर्तनों की भी बुकिंग होती, जिससे कि अंतिम समय में यानी धनतेरस में जो रश रहता है आखिरी समय का, उसमें बहुत ज्यादा उनको मशक्कत न करनी पड़े और इससे बचते हुए वो खरीदारी कर पाए। अब चीजें मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये किस तरह से तैयार करके अलग अलग रखे गए हैं ये इस तरह के सेट्स में, और इसको लोग देख रहे हैं क्योंकि ये पर्व खरीदारी का है, लेकिन बर्तन खरीदना विशेष रूप से शुभ माना गया है। सर, आप यहाँ पर बर्तन खरीद रहे हैं, क्या घर से बताया गया है कि जरूरत के आपसे ये खरीदे या जो भी आपको यहाँ पसंद आ रहा है? नहीं, कुछ पहले से सोचा रहता है क्या लेना है इस बार हर धनतेरस में। हाँ, तो ये कासे फूल के बर्तन लेने की प्लेस प्लानिंग थी, वो लिया जा रहा है। फूल के बर्तन, देखिए ये वैसे भी शुभ माना जाता है और आप इसको खरीद रहे हैं। आप बताइए क्या यहाँ पर खरीदने के लिए आई हैं, क्या किचन की जरूरत है? मैं इनकी सिस्टर हूँ। अच्छा, आपके यानी आपका भी निर्देशन इसमें है, आप भी ये देख रही हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो इस बार हम लोगों ने देखा कि सुबह से ही भीड़ थी और पहले से बुकिंग भी बर्तनों की थी, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग रहते हैं शाम को, उतना पसंद नहीं कर पाते, तो आपने भी कुछ ऐसा किया था या अभी आई हैं? बस यही थाली साथ में पसंद किए हैं। अच्छा, यही थाली फूल वाले। बिल्कुल, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें जो स्टोर यहाँ के मालिक हैं स्टोर के, उन्होंने ये बताया था कि अलग अलग डिजाइन के जो डिजाइनर कलेक्शन है वो भी लॉन्च यहाँ पर इस बार किए गए हैं और उनको इस मौके पर खास तौर पर लॉन्च किया गया है और खास तौर पर रखा गया है। तो ये भी इस तरह की चीजें हैं और इसमें से अगर आप देखें, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ मार्केट में नया आता है, देखिए ये इस तरह से जो सेट्स हैं पूरे वो हैं, और लोग छोटे से छोटा सामान हो या महंगे से महंगा सामान हो वो खरीद रहे हैं। बर्तन भी उन्हीं में से है, क्योंकि आज बर्तनों को खरीदने का विशेष दिन है, जिससे आपको समृद्धि तो मिलेगी ही, लेकिन साथ ही साथ आपके इस पर्व की एक बेहतरीन शुरुआत हो सकेगी। बिल्कुल, लौटती हूँ शिल्पी आपके पास, हमारे साथ अब तमाम खास मेहमान भी है। मनीषा आपके पास आऊंगी थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले जरा अपने खास मेहमानों का परिचय हमने करा दिया, लेकिन शुरुआत करते दिवाकर त्रिपाठी जी आपसे। अब देखिए आज का धनतेरस शुभ क्यों है, और साथ ही साथ अब क्योंकि देखिए 4 बजे का वक्त हो चुका है, क्या शाम में कोई ऐसी शुभ घड़ी बन रही है जिस दौरान हम खरीदारी कर सकते हैं, हालांकि पूजा का मुहूर्त भी शाम ही का है? जी नमस्कार, और धनतेरस को आप सभी लोगों को एवं हमारे सभी प्यारे दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा हम सब पर बरसती रहे। देखिए धनतेरस में आज के दिन त्रिपुष्कर योग बना हुआ है, मंगलवार के दिन यह धनतेरस पड़ रहा है, होम प्रदोष व्रत भी आज है, तो आज कई योग बन रहे हैं। कारण क्या है कि एक तरफ जहां माता लक्ष्मी की उपासना करेंगे, धन्वंतरी महाराज की उपासना करेंगे, कुबेर की उपासना करेंगे, वहीं पर भगवान शिव और माता पार्वती की भी आराधना करेंगे, और अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कर्ज है उसके मुक्ति का उपाय भी आज करेंगे। आज शाम को 6:11 से लेकर के लगभग 8 बजे तक बहुत सुंदर मुहूर्त मिल रहा है, जिसमें हम
पूजन कर सकते हैं माता लक्ष्मी की, घर में दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, और इस बीच में आप प्रदोष काल रहेगा तो भगवान शिव माता पार्वती की भी आराधना कर सकते हैं, भगवान गणेश की भी आराधना कर सकते हैं। यह बहुत ही सुंदर संयोग बन रहा है आज के दिन। आज के दिन इसी समय वस्तुओं की खरीदारी, विशेष करके कलश की खरीदारी, इसके पहले भी कार्यक्रमों में जीएनटी के माध्यम से भी हम लोग बता चुके हैं कि आज के दिन कलश जरूर खरीदें। जो शुभ मुहूर्त है, जो स्थिर चौके स्थिर लग्न मिल रहा है वृषभ लग्न, उसमें कलश जरूर घर लाएं, क्योंकि कलश लाने से दो महत्वपूर्ण बात हो जाती है। एक तो धन्वंतरी महाराज का जब प्रकाटते हुआ था प्रदोष काल में धनतेरस के दिन, कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन, तो उसमें अमृत कलश रहता है। दूसरी तरफ माता लक्ष्मी के हाथ में अमृत कलश रहता है, तो कलश जरूर लाएं और उसमें जल भर करके स्थिर लग्न में जरूर रखें। यह समय खरीदारी के लिए और पूजन के लिए श्रेष्ठ है। 6:11 से लेकर के 8 बजे के बीच में, 6:11 और 8 बजे के बीच में समय बहुत शुभ माना जा रहा है, जो कि दिवाकर जी बता रहे हैं। और पहली बात, पहला अचूक उपाय जो आप कर सकते हैं, आपको कलश जरूर लेकर आना है, कलश स्थापना आपको जरूर करनी है। दूसरा सबसे बड़ा और अचूक उपाय सुमित्रा जी क्या बताएंगे, आज के दिन क्या किया जाए, शुभ मुहूर्त दिवाकर जी बता चुके हैं। जी, अगर हम आज कुबेर की तो उपासना कर ही रहे हैं, तो खास तौर पे 7:30 से 9 PM के बीच में हमें दीपक जरूर जगाना है, और जगाकर ओम कुबेराय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करना है। अगर आप बोले कि कोई बहुत कॉस्टली सामान हम नहीं खरीद सकते, तो हमारे शास्त्रों में उल्लेख आता है कि अगर आप पान पत्ता आज खरीदते हैं, पान पत्ता खरीद कर आप धन्वंतरी को भी चढ़ाएं, लक्ष्मी जी को, गणेश जी को और कुबेर को, ये सबको अगर आप ये पान पत्ता चढ़ाते हैं, तो काफी हद तक आपके जीवन में समृद्धि और सुख शांति आएगी। इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आज हमें सभी की उपासना करनी है, कुबेर की भी करनी है, धन्वंतरी की भी करनी है, गणेश जी की भी करनी है और लक्ष्मी जी की भी करनी है। अगर बात करते हैं कि आज अगर बृहद संहिता के हिसाब से अगर बात करें, तो आज उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र हमको मिल रहा है और ये शाम 6:34 तक है, तो इस 6:34 PM के अंदर में अगर हम कुछ परचेज करते हैं और या पूजा करते हैं, सब आप स्टूडियो में बैठे हैं, तो आप एटलीस्ट मंत्र जाप कर सकते हैं। तो गणेश जी के लिए ओम गम गणपते नमः का जाप कर सकते हैं, लक्ष्मी जी के लिए ओम महालक्ष्मी नमः बोल सकते हैं, या सिर्फ ओम श्रीम भी बोल सकते हैं, कुबेर का मंत्र जैसे कि मैंने आपको बताया। और खासतौर से धन्वंतरी की अगर आप बात करें, तो ओम श्री धन्वंतरे नमः, तो ये चारों मंत्र का जाप करने से आप जहां भी बैठे हैं, आपको उस ऑस्पिशियस टाइम का रिजल्ट तो मिलता है। और एक अगर आइटम बोलेंगे तो पान पत्ता। पान पत्ता, चलिए, कलश पहली बात, दूसरा पान पत्ता। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि क्योंकि इस दिन से पांच दिन के उत्सव की शुरुआत हो जाती है, धनतेरस के दिन हम खरीदते हैं, हम अपनी सेहत के लिए भी बहुत कुछ करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना वो तो जान रहे, लेकिन घर में क्या चेंजेस हम ला सकते हैं वास्तु के हिसाब से आज की डेट में, वो भी हम 10 टिप्स आपको देंगे। पहला टिप अलंकृता जी क्या बताएंगे? सबसे पहले तो जीएनटी के सभी दर्शकों को इस महापर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं, और आज का दिन तो बहुत ही विशेष होता है, क्योंकि आज का दिन अगर हम देखा जाए तो रिन्यूअल ऑफ एनर्जी कहते हैं, यानी कि आपका पुराना सब भूल के एक नई शुरुआत, एक नया जन्म जैसा होता है अगर आप उसे ठीक ढंग से लें। तो वो कहते हैं आपो दीपो भव, यानी कि बी योर ओन लाइट। तो ये जो त्योहार है, ये सिर्फ खरीदारी का नहीं, ये अपने अंतर मन को साफ करने का, अपने घर की जब हम सफाई करते हैं तो उससे हमारा माइंड स्पेस भी माइंड डिपिक्ट होता है, कि आपके घर में जब सब चीजें ऑर्गेनाइज्ड हैं तो आपकी लाइफ खुद ब खुद ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी, क्योंकि आपका माइंड जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को आप बहुत अच्छे से साफ सुथरा करें, क्योंकि वहां आपके टेम्पल का प्लेस होता है, और वहीं पर आप जो है आज पूजा की वेदी सजाएं। और आज धन्वंतरी जी का जन्म हुआ था, आज धन्वंतरी जी का अवतरण दिवस बोला जाता है, कि वो समुद्र मंथन से उन्होंने अमृत कलश जो प्रकट किया था, वो अमृत कलश जो है हमारी सेहत को दर्शाता है, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। तो सबसे पहले हम जब त्योहार की शुरुआत करते हैं, तो अपनी सेहत और शुभ
शुभता के साथ हम चाहते हैं कि जीवन में सब कुछ रहे, संचार रहे, एक अच्छी सौभाग्य का, सेहत का। तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को जब हम वेदी लगा लें तो धनवंतरी जी, कुबेर जी, बैठी हुई लक्ष्मी जी और साथ ही में गणेश जी, और अक्सर लोग जो है सरस्वती माँ को लाना भूल जाते हैं, क्योंकि सरस्वती माँ जो है वो ज्ञान की देवी है, सरस्वती माँ जो है वो सद्बुद्धि की देवी है। तो उन्हें भी आप आज के दिन जरूर अपने घर में विराजमान करिए, और इन सभी को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग फिर जो अर्पण करने की चीजें हैं, जैसे माता लक्ष्मी को कमल गट्टा और कमल का फूल जो है वो अत्यंत प्रिय है, और आपने देखा भी होगा कि वो कमल वासनी है, कमल पे बैठी है, तो आप उन्हें वो अर्पण करें। अगर बात करें हम कुबेर जी की, तो कुबेर जी को कुछ कौड़ियां और कुछ चांदी के सिक्के नहीं तो नॉर्मल सिक्के आप लाल कपड़े में लपेट के अर्पण करें, इस भावना के साथ कि आपके घर से शुभता, धन धान्य कभी भी दूर ना हो। बात करें अगर हम धनवंतरी जी की, तो धनवंतरी जी को आप कलश, आप चांदी के कलश में, तांबे के कलश में या मिट्टी के कलश में भी थोड़ा सा कच्चा दूध, गंगा जल और कुछ अक्षत और साथ ही में केसर डाल के उनके आगे रखें कि हमारे घर से जो है वो सेहत और सद्बुद्धि जो है वो दूर ना हो। इसी तरह से सबको ये अर्पण आप करके, ये जो इसका छींटा है, जब आप पूजा कर लें तो उसके बाद इस जल का छींटा आप अपने घर में, पूरे घर में दें, इस भावना के साथ कि आपके घर में कोई भी दुर्घटना ना हो, आपके घर में जो है नकारात्मक ऊर्जा ना है। यम का दीपक, वो आपको हम बात करेंगे, यम का दीपक भी आज के दिन जरूर जलता है। यानी वास्तु के हिसाब से आपका टिप ये है कि हमें अपना जो ईशान कोण, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट वाला है, वहां पे हमें स्थापना करनी है। और इसी के साथ साथ तीन टिप्स हमने लगातार आपको दे दिए। संजीव जी, मैं आऊंगी आपके पास, उससे पहले जरा एक बार मुंबई का रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र, दिखाइए रौनक कैसी वहां पर। जी देखिए, सुबह से ही हमारे मुंबई के उस गली नुक्कड़ पर जा रहे हैं, उस बाजार में जा रहे हैं जहां पर धनतेरस और दिवाली से संबंधित चीजें मिल रही हैं। इस समय मैं मौजूद हूं मुंबई के माहिम इलाके में, और स्पेशली कंदिल गली नाम से ये जो रास्ता है बहुत ज़्यादा फेमस है, पुस्तनी व्यवसाय है यहाँ पर रहने वाले लोगों का। और देखिए, जहाँ तक भी नजर जाएं और सिर्फ कंदिल ही नज़र आ रही है, हर कोई धनतेरस, दीपावली अपने अपने तरीके से मनाने के लिए तैयारी में जुटा हुआ है। चलने की भी यहाँ पर जगह नहीं मिल रही है, और जैसे जैसे शाम होती जाएगी वैसे वैसे ये जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती ही जाएगी। तरह तरह के कंदिल यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावित कर रहे हैं वो कुछ इस तरह के, जैसे कि यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर लगाई गई है, और भी कई धार्मिक गुरुओं की तस्वीरें लगाई गई हैं, और भी भगवानों की तस्वीरें लगाई गई हैं। इस तरह के कंदील भी लोग अपने अपने तरीके से खरीद रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, अपने घर ले जा रहे हैं, और हर साल ही यहाँ पर एक भीड़ जुटती है। जी, लौटती हूं आपके पास एक बार। जरा मनीषा, आपका रुख कर लेते हैं, इस वक्त आप कहां पर हैं, और दिखाइए जरा बाजार की रौनक, नए नए ट्रेंड्स में क्या क्या है इस बार। नवजोत, इस वक्त हम तिलक नगर में स्थित कस्तूरी ज्वेलर्स में, और जो तस्वीरें अलग अलग राज्य से आ रही है धनतेरस के मौके पर, वही तस्वीरें यहाँ का भी नजारा है। अगर मैं पूरे आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे भीड़ आपको चारों तरफ जो है वो नजर आएगी। बेहद ही जो है लोग जो है इस आज के दिन की तैयारी कर रहे हैं, दिवाली का पर्व एकदम नजदीक है, धनतेरस है, तो सोना चांदी वैसे ही बहुत शुभ माना जाता है, और उसी की खरीदारी के लिए लोग की जो भीड़ है वो दुकानों में नजर आ रही है। भले ही कितना भी जो दाम है, जो रेट है सोना चांदी का वो बढ़ जाए, लेकिन आज के दिन बेहद ही शुभ माना जाता है। लोग बाग इंतजार करते हैं आज के दिन का, धनतेरस के एक दिन का, कि कब जाकर वो दिन आए और वो शुभ कार्य की शुरुआत करें। फिर चाहे वो नया घर लेना हो, नई नौकरी हो, या फिर नया वाहन कोई खरीदना हो, तो हर कोई इस दिन का इंतजार करता है। तमाम महिलाएं हमारे साथ हैं, हम लोगों से भी बात करेंगे कि क्या कुछ खरीद रहे, नए आए हो आप लोग, क्या कुछ ले रहे हो मैम आज? Yes, we are thinking to buy gold bangle just for the investment purpose. गोल्ड लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज के दिन हर कोई जो है चांदी और गोल्ड की चीजें लेता है, लेकिन लोग वो चीजें ज्यादा लेना पसंद कर रहे हैं कि एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के जो है उसके तरीके से भी ध्यान में रखी जाए। जाहिर सी बात है कि सोने को बहुत ही अच्छा विकल्प माना जाता है इन्वेस्टमेंट का। लौटती हूँ आपके पास, दोनों सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और खास मेहमान मौजूद है। अब संजीव जी, आपके पास आते हुए देखिए, हमारे जो तीन मेहमान हैं उन्होंने तीन टिप्स बहुत अच्छे दिए हैं। पहला, ये कलश जरूर आपको आज लेना चाहिए, स्थापना करनी चाहिए, पान पत्ता बहुत जरूरी है, और ईशान कोण को बहुत अच्छे से सजाएं। चौथा टिप आपका, मैं चाहूंगी कि बताइए क्या आज के दिन हमें करना चाहिए। एक और सवाल मेरा साथ ही साथ संजीव जी आपसे है, क्योंकि आज के दिन मान्यता ये है कि सोना खरीदिए,
बहुत से लोग सक्षम नहीं होते, उसका विकल्प क्या हो सकता है पहली बात, और अगर खरीदना ही है तो किस तरीके से लिया जाए? देखिए, आपको आज के इस दिव्य महापर्व के लिए आप सभी को बहुत शुभकामनाएं, और जीएनटी के जितने भी दर्शक हैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दीपावली की साथ साथ बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं सभी को प्रदान करता हूं। आज का पर्व जो है बहुत ही उत्तम पर्व है, धन त्रयोदशी का जो पर्व है। आज के दिन भगवान गणेश जी का पूजन हो, माँ गौरी का पूजन हो, भगवती लक्ष्मी जी का पूजन हो, कुबेर भंडारी जी का पूजन हो, इंद्र का पूजन हो, और लेखनी पूजन हो जिसको सरस्वती का पूजन माना जाता है, बही खाते का पूजन हो, और साथ में इंद्र का, ये सब पूजन हो, और इसके बाद में साथ में आज क्योंकि बहुत बड़ा पर्व है, आज के दिन समुद्र से साक्षात भगवान विष्णु के अवतार श्री धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य उत्सव है, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो आज भगवान अपने हाथों में, एक हाथ में धनवंतर ऋतिख्याता आयुर्वेद दृगिज्य भाग, ये ऐसा लिखा हुआ है ग्रंथ में, तो एक हाथ में अदरक काली मिर्च और ये सब औषधि लेके, आंवला ये सब और पुदीना नींबू ये सब औषधि लेके प्रकट हुए थे भगवान, अश्वगंधा आदि, और एक हाथ में अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। वो तो देवताओं के लिए था, निर्धारित था, लेकिन क्योंकि दैत्य लोग छीन ले गए, तो भगवान ने मोहिनी का रूप बना के वो अमृत मंत्र जो अमृत ले गए थे उसको भी ला करके दोबारा देवताओं को प्रदान किया, क्योंकि जहां भगवान है वहां पर सब काम सुलभता से ठाकुर जी करवा देते हैं, ये भगवान की कृपा है। और आज का पर्व जो है तो इसमें इन सब का पूजन करें और भगवान धन्वंतरी का पूजन करें, और यहाँ पर आज धन्वंतरी भगवान के चरणों में पूजन करके और इनको अदरक काली मिर्च नींबू और आंवला के जो फल हैं वो अवश्य चढ़ाना चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होके आपको आयु और आरोग्यता का आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग रोग समन्वित होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, तो आज धन्वंतरी भगवान के नाम से अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हो, विश्वम विष्णु रुबसत्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूत प्रदभावो भूतात्मा भूत भावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्ता नाम परमागति अव्यया पुरुषा साक्षी क्षेत्र ज्ञोक्षरे बचा आदि आदि, ऐसे दिव्य सुंदर मंत्र हैं। इन मंत्रों का अगर आप पाठ करते हो आज के दिन धन्वंतरी भगवान के निमित्त, तो आपको निश्चित रोगों से विमुक्ति मिलेगी और आपके ऊपर निश्चित कृपा होगी। दूसरी बात जी, है, सोना जो लोग नहीं खरीद सकते हैं, हाँ, अपनी बात पूरी कर दीजिए, जो लोग सोना नहीं खरीद सकते उसका एक विकल्प साथ ही साथ, हाँ जी, तांबे के पात्र लें, चांदी के पात्र खरीदें और फूल के बर्तन लें जो फूल के पहले बर्तन चला करते थे, लेकिन लोहे के पात्रों को लेना बड़ा शुभ नहीं माना जाता है, ठीक है, तो अगर तांबे के हैं, पीतल के हैं और फूल के हैं, कांसे के जो बोले जाते हैं, संजीव जी आप कह रहे हैं कि लोहे के बर्तन या फिर उसको लेना शुभ नहीं माना जाता है, एक छोटा सा रिएक्शन दिवाकर जी आपसे, क्योंकि दो दिन पहले आप ही से बात हो रही थी, यहीं पर इसी मंच पर हम चर्चा कर रहे थे, बहुत विद्वान ये भी मानते हैं कि आप लोहा भी ले सकते हैं, लेकिन संजीव जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका इस पर क्या विचार है? देखिए, लोहा को शनि देव का प्रतीक माना जाता है, शनि देव के रूप में माना जाता है, ठीक है, और कहा जाता है कि लौह चरण पर जब प्रभु आवे धन जन संपत्ति नष्ट करावे, तो रुकना बचना चाहिए, आज के दिन विशेष रूप से लोहा नहीं खरीदना चाहिए, तांबा खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, स्वर्ण खरीद सकते हैं, मिट्टी का कलश खरीद सकते हैं, और आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण दूसरा उपाय मैं बता दूं, आज धनिया जरूर खरीद कर लाएं, धनिया आज खरीद कर लाएं, जो दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को हम अर्पित करेंगे उसका बहुत फल मिलता है, बहुत शुभकारक फल मिलेगा, क्योंकि धनिया को ग्रहों में बुध का प्रतीक माना जाता है, और बुध ग्रह का व्यापार से संबंध होता है, बुद्धि से संबंध होता है, मैनेजमेंट से संबंध होता है, तो ऐसे में जीवन में बुद्धि का विकास होता है, नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, लेखन शक्ति का विस्तार होता है, और धन का भी विस्तार होगा, क्योंकि जब वाणिज्य व्यापार का विस्तार होगा तो धन अपने आप बढ़ेगा। उसके साथ ही आज के दिन एक और कार्य करना चाहिए कि चावल पीस कर हल्दी मिलाकर कुमकुम मिलाकर के घर के बाहर स्वास्तिक बनाएं, शुभ लाभ जरूर लिख दें, आज भी जैसे हम दीपावली में करते हैं आज के दिन भी हमें करना चाहिए, क्योंकि आज का दिन एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में सबसे ज्यादा आवश्यकता है स्वास्थ्य की, प्रथम स्वर्ग जब सुंदर काया
द्वितीय स्वर्ग जब घर में माया, तो प्रथम स्वर्ग है शरीर और दूसरे पर आता है धन। तो आज के दिन धन्वंतरी महाराज और माता लक्ष्मी दोनों की जो उपासना करते हैं तो दोनों की सिद्धि प्राप्त होती है, दोनों हमें प्राप्त होते हैं, तो दोनों सुखों की प्राप्ति का आज सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। बिल्कुल। एक बार सुमित्रा जी आपके पास आते हुए यहाँ पर हेल्थ की भी बात की है और आप सभी लोग ये मानते हैं, पहली बात तो हम धन्वंतरी आज देवता की जब पूजा अर्चना करते हैं तो उसमें हेल्थ से भी कहीं ना कहीं चीजें जुड़ी हैं, आयुर्वेद से क्या कनेक्शन इनका मिलता है? जी, जब हम लोग बात करें धन्वंतरी, जैसे कि अभी पंडित जी ने बताया कि जब वो धन्वंतरी बाहर आए तो उनके हाथ में देखिए जितने सारे सामान उन्होंने बताया, अदरक नींबू, ये सारे के हम लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन इससे बनते हैं। बाकी जब एलोपैथिक मेडिसिन इससे बनते हैं तो इसके सिर्फ एल्कोलॉइड्स लिए जाते हैं, बट आयुर्वेद में क्या है इनके रॉ फॉर्म में इनको कन्वर्ट किया जाता है, पेस्ट में बनाया जाता है, इसलिए हम लोग आयुर्वेद से इसको ज्यादा रिलेट करते हैं। और आज एक इम्पॉर्टेंट बात भी ये है नवजोत जी की, जब हम धन्वंतरी की जब पूजा कर रहे होते हैं, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ओम श्री धन्वंतरे नमः का तो पाठ हम करते ही हैं, माला जाप करते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट मंत्र होता है धन्वंतरी के लिए जिसको बोलने से, जैसे काफी लोगों के घर में कोई बेड रिडन है या बहुत लंबा कंटिन्यूड बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है, तो उन लोग के लिए बहुत अच्छा एक मंत्र मैंने आज शास्त्र में पढ़ा था, उसमें लिखा है श्री श्री औषुध चक्र नारायण नमः। तो इस मंत्र का जाप अगर हम करते हैं तो ये काफी हद तक जिन लोगों को एक लंबा कंटिन्यूड एक बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जो शुभ मुहूर्त है उस मुहूर्त में, जैसे कि सभी ने बताया कि 6:30 से ऑलमोस्ट 8:30 बजे तक का जो मुहूर्त है, इसमें हम अगर धन्वंतरी के लिए ये मंत्र की जाप करते हैं तो हेल्थ वाइज हमें काफी समृद्धि मिलती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इनके हाथ में देखिएगा आप जो कलश है, जो आज काफी सारे लोग देखिए स्टील के बर्तन या फिर ब्रास मेटल इन सब के बर्तन खरीद रहे हैं, कभी भी उसको एम्प्टी नहीं लाना चाहिए। इसको जब हम एम्प्टी लाते तो हमको पॉजिटिविटी नहीं मिल रही होती, कोई भी एक चीज उसमें आप भर के लिए, आप ग्रेन्स भर के ला सकते हैं या जल भर के ला सकते हैं, उसको अपने बिल्डिंग या अपने घर के अंदर एम्प्टी मत एंटर करो। आज है धनतेरस, 5 दिन के दिवाली उत्सव की शुरुआत हो चुकी है, खरीदारी का पर्व इसको कहा जाता है। कहा जाता है कि आज के दिन आप कुछ भी खरीदते हैं वो आपको कई गुना ज्यादा फल देता है। सेहत के लिए आज का दिन बहुत जरूरी है, तो आज ऐसे कौन से 10 महा और अचूक उपाय आपको करने हैं, क्या कुछ चीजें आपको घर लेकर आनी है जिससे आपके घर में पॉजिटिविटी आए, धन धान्य से आपका घर भरपूर हो जाए और साथ ही साथ सेहत का वरदान भी आपको मिले, कैसे भगवान धन्वंतरी की आराधना करनी है, सब कुछ हम आज आपको बता रहे हैं। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि बाजार की रौनक ऐसी है, वो भी साथ ही साथ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र दुबे हमारे साथ इस वक्त मुंबई से जुड़े हुए हैं, मनीषा मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है, लेकिन उससे पहले हम आपको लखनऊ लिए चलते हैं। आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं जो दिखा रहे हैं वहां की रौनक। इसमें दिवाली का त्योहार है और सबसे खास बात है कि जो बाजारों की रौनक है वो पूरी तरीके से देखने को मिल रही है। आज धनतेरस है और धनतेरस के बाद दिवाली है, लोगों का तांता सुबह से ही पहुंचने लगा है अपनी शॉपिंग करने के लिए। हम जिस जगह मौजूद हैं ये लखनऊ की ही एक जगह है, गोमती नगर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिवाली की तैयारियां सुबह है, सुबह के साथ साथ दुकानें सजने लगी हैं। आप देखिए कि दिवाली पर ये जो दिए हैं, ये जो मिट्टी का काम है, ये काफ़ी ज़्यादा जो मिट्टी का काम है काफ़ी ज़्यादा कारीगरी से किया गया है, जिसमें काफ़ी दिए हैं जो अलग अलग डिजाइन से बनाए गए हैं। इसके साथ साथ एक छोटे दिए, बड़े दिए और कई ऐसे कलरफुल दिए हैं जिनको इस बार दिवाली पर लाया गया है। चूँकि इन दिवाली पर लोग दिए यानी कि दीप दिवाली बोली जाती है, दियों से ही दिवाली होती है और यही वजह है कि हर तरीके का दिया आपको इस दुकान पर देखने को मिलेगा जो अलग अलग तरीके से, और ये रंग दिवाली के हैं और इस दिवाली पर लोग दिए जलाते हैं क्योंकि देखा गया है ये ट्रेंड भी है, लोग अब पुराने ट्रेडिशन पर लौट रहे हैं, जो मिट्टी के दिए हैं उनको जलाते ही जलाते हैं, लाइटिंग भले ही लेते हैं लेकिन मिट्टी के दिए को आज भी उतनी महत्वपूर्णता है। और ऐसे में देखिए कि यहाँ पर अगर बात इनसे बात भी कर लेते हैं जो इनके शॉपकीपर हैं या उनसे पूछ भी लेते हैं, आप हैं जी, ये बताइए ये दिए कितने प्रकार के हैं और इस बार क्या डिमांड है इनकी, किस तरीके से डिमांड की? सर ऐसा है कि डिमांड तो वैसे पहले से ज्यादा अब डेवलप हो रहा है, ये पब्लिक का प्यार है जो अब मिट्टी की तरफ से पहले से ज्यादा अब लौट रहे हैं। खरीदारी जो पहले चाइना के सामान की होती वो तो धीरे धीरे बंद हो गई, जहाँ तक हो भाई पब्लिक का सपोर्ट है जो कुम्हारों की तरफ से सोचा जा रहा है। चाइना का नहीं बिक रहा, चाइना कुछ नहीं बिक रहा, आपसे इंडिया के अंदर से मिट्टी का सामान अब फिर से वापस आ रहा है। सबसे खास बात है लक्ष्मी गणेश, ये लक्ष्मी गणेश जिनको आप देखिए कि लोग लेते हैं क्योंकि लक्ष्मी गणेश की दिवाली पर ही पूजा होती है,
और हर घर में लक्ष्मी गणेश पूजे जाते हैं। तो ये वजह है कि यहाँ पर लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ देखिए, छोटे साइज में भी हैं, बड़े साइज में भी हैं, मिट्टी की जो मूर्तियाँ हैं वो भी हैं। तो ये सभी वो तरीके की मूर्तियों को इस बार आप बाजार में पाएंगे और इस बाजार में रंग कलरफुल। मेरी दो और सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद है, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले जरा अलंकृता जी, क्योंकि यहाँ पर हम दियों की बात कर रहे हैं, ये भी साथ ही साथ हमें बताते जाइए कि मिट्टी का दिया क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्यों इसको बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, घर में दिया ये जरूर लगाना चाहिए, कहा जाता है कि ये जो पूरा पंचवर्षीय महापर्व है हर दिन मिट्टी का दिया जरूर लगना चाहिए। देखिए जो दिवाली है ये सिम्बॉलिक है कि आप अमावस्या यानी कि जो काली रात है उसमें उजियारा करते हैं दीपक जलाकर, और दीपक जो है वो हम अर्धन उसमें जलाते हैं तो एनर्जाइज होता है पूरा पूरा एनवायरनमेंट, और इसमें दीप दान का भी बहुत बड़ा एक रोल होता है। आजकल जो है वो पानी के दीपक यानी कुछ जल के दीपक, कुछ 30% उसमें ऑयल और बाकी जल के साथ जब हम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उससे भी हमारा पूरा घर जो है वो एनर्जाइज होता है, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, और दीपक दान करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। और ये भी बताते जाइए कि दीपक हमें घर के किस कोने में वास्तु के हिसाब से कहां कहां किस किस कोने में लगाने चाहिए ये भी बताते जी। दीपक का देखिए, दीपक आपको एक तो जल जहां आपके घर का जल का केंद्र है वहां आपको रखना है, एक दीपक आपको जो है कहा जाता है हमारे बड़े बुजुर्ग जो है वो चौराहे पे जरूर रख कर आते थे, दीपक जो घर की चौखट है एक दोनों चौखट पे एक दीपक जरूर रखे जाते हैं, घर की दीवारों को दीपक से सजाया जाता है, और सबसे पहला दीपक जो हम अर्पण करते हैं वो तो अपनी पूजा वेदी पे हम प्रभु को अर्पण करते हैं, और पूरी रात जो दीपक है अखंड दीपक जलाने का प्रचलन है और पूरी रात ये दीपक दिवाली वाला जलता है। और कुछ और टिप्स मैं आपसे लूंगी लेकिन उससे पहले जरा धर्मेंद्र के पास हम आपको लिए चलते हैं, मुंबई के बाजारों की रौनक भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए लखनऊ में तो बहुत ही खूबसूरत और नए नए डिजाइन के दीपक हमने देख लिए, मुंबई में इस बार क्या नया और क्या खास आया है वो भी दिखाइए जरा हमें। बिल्कुल, जैसा कि नवजोत मैंने कुछ देर पहले आपको ये बताया कि माहिम इलाके में मैं हूँ और कंदिल गली के नाम से काफ़ी मशहूर है ये जगह, दुनिया भर की कंदिल यहाँ मिलती हैं आप देख रही हैं, लेकिन चलते चलते अचानक ही नज़र मेरी इस स्टॉल पर पड़ गई और यहाँ पर भी दीपावली से संबंधित कुछ चीज़ें बिक रही हैं, लेकिन ये कपड़ों की हैं, कपड़ों द्वारा बनाई गई हैं और स्पेशली मराठी संस्कृति को उजागर कर रही हैं, जो मराठी लोग हैं यहाँ पर इस तरीके से दरवाजे पर ये लगाते हैं, और भी बहुत सारे चीजें हैं, मैं जानने की कोशिश करता हूं कि क्या खास बात है। आप मुझसे बातें करेंगी, ये बताएं कि ये क्या रखा हुआ है, ये थोड़ा सा हाथ में लें और बताएं क्या चीज है। ये उपटन है, दिवाली के पहले अभ्यंग स्नान पे लगाते हैं, हम लोग 80 साल से ये उपटन बना रहे हैं घर पे खुद, मेरी दादी ने शुरू किया था, अभी मेरी माँ और मैं हम दोनों बनाते हैं। आपकी दुकान पर मिल रहा है? हाँ हाँ, ये सिर्फ आपकी दुकान, ये एरिया में किसी के पास नहीं है, ये सिर्फ हमारे पास शुभ है मतलब। यस यस, क्या चीज है ये भी थोड़ा सा बताइए ना हाथ में लेकर के, ये क्या चीज है? ये भगवान जी को नैवेद्य रखने के लिए उसके नीचे, इसके ऊपर आप प्लेट रखे नैवेद्य रख सकते हैं, नहीं तो लक्ष्मी पूजन, इसके ऊपर आप भी लक्ष्मी पूजन भी कर सकते हो। अच्छा, ये बड़ा प्यारा सा छोटे से बच्चे का कपड़ा भी है। हाँ, ये एक साल के बच्चे का फ्रॉक है, अभी ट्रेडिशनल सब लोग ट्रेडिशनल पहन रहे हैं तो एक अलग थीम। बिल्कुल, साथ ही साथ लोग कपड़े भी खरीदते हैं। धर्मेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास, नए नए ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं। मनीषा आप तैयार रहेगा, इसके बाद आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा संजीव जी के पास जाना है, क्योंकि मनीषा आप नए ट्रेंड्स मुझे दिखाइएगा, क्या क्या चीजें इस बार गोल्ड और सिल्वर की हम खरीद सकते हैं, लेकिन उससे पहले संजीव जी कुछ और टिप्स जो आज के दिन हमें जरूर करना चाहिए, चाहे खरीदारी में हो, चाहे पूजा विधि में हो, या फिर हम दान के रूप में भी उसको कहें, क्या करना चाहिए आज के दिन? संजीव जी देखिए, आज रक्त वस्त्र, क्योंकि मंगलवार है तो रक्त वस्त्र जरूर लेना चाहिए, और आज हनुमान जी को नारंगी जो उनका जो चोला होता है सिंदूर का वो जरूर भेंट करना चाहिए। और दूसरी बात, आज भगवान शंकर का भी बड़ा पवित्र दिन है, क्योंकि आज प्रदोष व्रत है, और प्रदोष व्रत में प्रदोष समय राजन कर्तव्य दीप मालिका, और प्रदोष बेला में दीप दान करने का बड़ा महत्व है, ये तो पूरे कार्तिक में ही बहुत बड़ा महत्व है दीप दान करने का। दीप दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, और मिट्टी के पात्र में दीप दान करें या चांदी के में, पीतल के में करें, पर लोहे के में ना करें। दूसरी बात, कभी भी कैंडल ना जलाएं, कैंडल क्योंकि एक प्रकाश तो दे सकता है, रोशनी कर सकता है, पर दीप दान करने का पुण्य नहीं मिलेगा। या तो तिल के तेल का दीपक जलाएं या सरसों के तेल का दीपक जलाएं,
या फिर देसी शुद्ध गऊ घृत का दीपक जलाएं तो उससे करोड़ों आपको बड़ा पुण्य फल प्राप्त होगा। और आज शिवजी का पर्व है इसलिए आज रुद्राभिषेक जरूर करें और उसमें गन्ने का रस अगर आप गणेश जी पर, लक्ष्मी जी पर, कुबेर भंडारी जी पर, इन पर चढ़ाते हैं तो आपको अनंत अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति जरूर होगी। ये बड़ा उत्तम योग है आज। और गन्ने के रस में लक्ष्मी का वास होता है तो श्रिया इक्षु रसेन च, गन्ने के रस से अगर हम अभिषेक करते हैं भगवान को तो हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे टिप्स आप लगातार दे रहे हैं। मैं दिवाकर जी आपके पास लौटूं, उससे पहले जरा चलते हैं मनीषा का रुख कर लेते हैं। मनीषा आज दिखाइए नए नए ट्रेंड्स में क्या कुछ है अवेलेबल ज्वेलरी में, चाहे सोने की बात करें या चांदी की बात करें। नवजोत, धनतेरस की बात हो रही है तो भगवान कुबेर को जो है आज के दिन पूजा जाता है। अब मिट्टी की मूर्ति लो या फिर चांदी की मूर्ति लो, दोनों एक बराबर है, लेकिन लोग आज के दिन जो है मूर्तियां जरूर घर पे लेकर आते हैं, चाहे फिर वो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, क्योंकि तमाम मेहमान जो हमारे बैठे हुए हैं वो हमें बता ही रहे हैं क्या कुछ लाना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा जो आज के दिन मायने रखता है वो ये कुबेर भगवान जी, क्योंकि भगवान धन्वंतरी की जो है पूजा की जा रही है और खासतौर पर लोग जो है इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं कि नेवला जो है वो कुबेर भगवान के पास जरूर बैठा हो, क्योंकि ये उनकी प्रिय सवारी मानी जाती है। अगर मैं तमाम चीजें बताऊं तो बर्तनों की भी जो है आज के दिन खरीदारी की जाती है, चाहे वो स्टील के बर्तन हो, सोने के हो या चांदी के हो। मैम आप क्या बर्तन ले रहे हैं, क्या कुछ ले रहे हैं आप? मैं चांदी के लड्डू गोपाल जी ले रही हूँ। चांदी के लड्डू गोपाल जी ले रहे, तो लोग वाग जो है अलग अलग तरीके की चीजें ले रहे हैं। लेकिन अगर आपने ट्रेंड्स की बात करी तो मैं आपको ट्रेंड्स दिखाऊंगी कि किस तरीके की चीजें जो है इस वक्त यहाँ पर आ रखी है। अगर मैं आपको दिखाऊं, आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो चीजें हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए सबसे ज्यादा गोल्ड जो है वो लेते हैं। हालांकि रेट बढ़ रहे, लेकिन रेट बढ़ने के बावजूद भी जो है लोग खरीदारी करने आ रहे हैं यहाँ पे। मैम क्या कुछ ट्रेंड है इस बार का मार्केट में, मुझे वो सब दिखाइए, बिकॉज तमाम ऐसी वैरायटी मेरे को इस जगह पर नजर आ रही है और लोग खरीदारी के लिए सर सुबह से ही आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल, आज जैसे फेस्टिवल है तो सुबह से कस्टमर काफी आ रहे हैं हमारे पास, तो काफी अच्छा आज का हमारा डे है। लेकिन जिस तरीके से भाव बढ़े हुए रेट के, तो उससे क्या लोगों में कमी तो नहीं है कि खरीदारी के लिए लोग कम आ रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। आप सुबह से देख रहे हो काफी रश है, तो कस्टमर प्रिपेयर हो ही जाता है, उनका माइंड मेकअप हो जाता है कि हमने ज्वेलरी लेनी है। ज्वेलरी लेनी है क्योंकि एक तरीके से सोने और आजकल तो हम चांदी का भी बात करें क्योंकि रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो लोग एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के तौर पर भी जरूर इसको ले लेते हैं। आप दोनों के पास लौटूंगी, खास मेहमान लगातार जुड़े हैं। दिवाकर जी अब आपके पास आते हुए अगला टिप आप कौन सा देना चाहेंगे? देखिए प्रकाश का महोत्सव है तो सबसे पहली बात तो चारों तरफ जैसा कि अलंकृता जी ने बताया है कि चौराहे पर दीपक जलाया जाता है, यानी हम चारों तरफ घर को तो प्रकाशवान बनाते ही हैं, हम चौराहे और रास्ते को भी प्रकाशवान बनाते हैं इस महापर्व में। तो इसका अर्थ है कि हम दीपक जलाएं लेकिन घर के आसपास जो गरीब लोग हैं जिनकी दिवाली किसी न किसी कारण से धूमिल हो रही है तो उनकी मदद करना सबसे बड़ी जरूरी बात यह है। उसके साथ में दीपावली के दिन, चूंकि इस महोत्सव में हम ऐसा उपाय कर लें कि जैसे बहुत बार आता है कि हमारे पास पैसा तो आता है टिकता नहीं है, तो पैसा कैसे टिके, किन उपायों से, इसको भी आज अगर कर लिया जाए तो विशेष तो होगा। भी एक तो उपाय आज के दिन जी इसके लिए आज के दिन लौंग जोड़े में, चाहे 5 के जोड़े में या 1 के जोड़े में, 3 के जोड़े में लेकर के उसको आपस में बांध लें और लाल धागे से और उसको माता लक्ष्मी को अर्पित करें, कुबेर देव को अर्पित करें, भगवान गणेश को अर्पित करें, माता पार्वती और भगवान शिव को आज के दिन अर्पित करने से कर्ज भी दूर होगा और बिल्कुल पैसा पास में टिकने लगे। बिल्कुल चलिए बहुत अच्छा टिप है। दूसरा उपाय मैं बता दूं आज के दिन कि आज के दिन खीर, चावल, बताशा, सफेद कपड़े, इन वस्तुओं का दान करना चाहिए। इनको दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। बिल्कुल, दान किसको करें, जो नीडी है, जिनको जरूरत है दिवाली मनाने के लिए। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि अपने घर में दीपक जलाते हैं कि प्रकाश हो, लेकिन समाज में प्रकाश हो, जो जरूरतमंद लोग हैं उनको भी साथ ही साथ कुछ ना कुछ देते जाएं तो वो भी एक बहुत बड़ा पुण्य ही होगा। सुमित्रा जी एक टिप आपकी तरफ से भी, क्या करना चाहिए आज के दिन? जी बिल्कुल, आज अगर कुबेर भगवान की हम पूजा करते हैं तो षोडश उपचार हम लोग बोलते हैं करना जरूरी होता है, मतलब 16 स्टेप्स, बहुत सिंपल है, छोटे में बताऊंगी। सबसे पहले भगवान का आह्वान करिए, फिर उनको आसन ग्रहण करने बोलिए, इसके बाद 4 बार हम जल छींटते हैं। पहली बार जब हम जल छींट रहे होते हैं तो उनका पैर धो रहे हैं, ऐसा मानसिक रूप से सोचना है। सेकेंड बार जब आप जल दे रहे होते हैं तो उनका हाथ धुलवा रहे हैं। थर्ड टाइम जब जल दे रहे होते हैं तो उनको पीने के लिए जल देते हैं। और चौथे बार जब जल छींट रहे होते हैं तो हम उनका स्नान करवा रहे होते हैं। उसके बाद हम लोग रोली मोली चावल जितनी भी चीजें हैं वो चढ़ाते हैं उनका,
उनको प्रसाद फूल पत्र जितने चीजें हम चढ़ाना चाहते हैं वो सब चढ़ाते हैं। इसके बाद इस जो कुबेर की मूर्ति होती है इसको नॉर्थ डायरेक्शन में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ के वॉल पे माने उनका बैक नॉर्थ के साइड होगा और उनका फेस साउथ के साइड होगा। जब हम लोग यहाँ पर कुबेर जी को रखते हैं पूजा के बाद, माने आज नहीं करना इसको, आपकी दिवाली कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फोटो या मूर्ति जो भी है आपको उसको नॉर्थ वॉल पे रखना है। और वहां अगर नॉर्थ में आपकी कोई तिजोरी है तो उसके अंदर भी आप इसको रख सकते हैं। तो कुबेर की स्थापना फाइनली पूजा के बाद नॉर्थ में करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक दीपक से रिलेटेड एक वर्ड बोलना चाहूंगी, जब हम दीपक का पूजा कर रहे हैं तो यम साउथ के, माने अगर वास्तु चक्र में देखें तो साउथ के देवता वो साउथ साइड में रहते हैं, तो हमें यम का दीपक एक साउथ में जलाना जरूरी है। और जब दीपक जला रहे हैं तो आइदर उसका जो पॉइंटिंग है वो ईस्ट में फेस करे या फिर नॉर्थ में। और जो महिलाएं वर्किंग हैं वो जब अगर साड़ी पहन रही हैं तो पेटीकोट का जो नाड़ा बांधते हैं उसको लेफ्ट साइड बांधे, उससे उनके लिए प्रॉस्परस होता है। अगर कोई होम मेकर है तो वो नाड़ा राइट साइड बांधे तो उनके हस्बैंड के लिए प्रॉस्परस होता है। और अगर आप सिर्फ शांति चाहते हैं अपने लाइफ में तो सेंटर में उस नॉट को बांधे और फिर पूजा करें। चलिए चलते चलते एक आखिरी टिप अलंकृता जी आपसे, वास्तु का एक टिप जो घर में सुख समृद्धि और धन धान्य की प्राप्ति कराएगा। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आपके घर में आपके दरवाजे से आपकी एंट्रेंस से लक्ष्मी माँ का प्रवेश होता है, तो आप इस बात का खास ख्याल रखिए कि आपके घर की एंट्रेंस में कोई रुकावट ना हो, उसे बहुत साफ सुथरा और सुंदर सजाइए। अगर आपके एंट्रेंस का दरवाजा आवाज करता है तो उसकी ऑयलिंग कर दें। उसके बाद जो आपके घर में अगर आपको लगता है लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं या कुछ अशांति है तो आप थोड़ी सी पीली सरसों लें, उसमें कपूर डालें और कुछ लौंग डालें और उसको अपने पूरे घर में घुमा दें, उससे भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से चली जाती है। आपके घर के जो अलमीराज हैं, कबर्ड्स हैं, उनको बिल्कुल साफ कर लें, उनसे क्लटर आप बिल्कुल दूर कर लें। और घर में अगर आप कुछ खरीद के ना भी ला पाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी सुगंध और अच्छा संगीत, यानी कि आप गायत्री का पाठ करें, आप कोई भी अच्छे मंत्रों उच्चारण से अपने घर को जो है एनर्जाइज करिए। आपके घर में जब आप घी का दीपक जलाते हैं तो उससे भी फायर एलिमेंट से भी आपका घर जो है वो एनर्जाइज हो जाता है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि घर में जब अच्छा संगीत बज रहा है, अच्छी सुगंध है, घर में फायर एलिमेंट लिट है तो अपने आप आपका घर एनर्जाइज हो जाता है। और ये छोटी छोटी बातों का आप खास ख्याल रखें। आखिरी 30 सेकंड संजीव जी, घर में पॉजिटिविटी लानी है उसके लिए एक छोटा सा उपाय बता दीजिए। जी, उसमें आपको जो पोछा लगाते हैं तो उसमें नमक डालें और थोड़ा सा काला नमक भी डालें और उससे पोछा लगाएं तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी और घर में शुभता आई। 5 सुपारी उनमें हल्दी लगा करके लाल कपड़े में बांध करके भगवान कुबेर जी के पास आज जरूर रखें, इससे आपके घर में धन धान्य की निश्चित वृद्धि होगी। और भगवान को पान का भोग जरूर लगाएं क्योंकि पान चढ़ाने से और पान खाने से, लेकिन बिना तमाकू जर्दा का होना चाहिए विशुद्ध, बिल्कुल बिल्कुल, तो आपके जीवन में ऐश्वर्य बढ़ता है, ऐश्वर्य बढ़ता है। चलिए ये कुछ ऐसे 10 महा और अचूक उपाय हैं जो कि आज आपको करने हैं क्योंकि आज है धनतेरस। धनतेरस का पर्व हम मना रहे लेकिन साथ ही साथ हमारे घर में खुशियां भी आए, पॉजिटिविटी भी रहे और साथ ही साथ अपनों के लिए भी हम कुछ कर पाए। ये 10 अचूक उपाय आज कीजिएगा, धन धान्य की प्राप्ति होगी और जीवन में आएगी सकारात्मक ऊर्जा।